तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देख रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमसे क्या पूछता है, व्हाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप शुड हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। ओके, सो ए है ऑब्जेक्टिव और ए रहा हमारा आईपीस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। आईपीस का मैग्नीफिकेशन क्या था, 1/d बाई एफ ई। और ऑब्जेक्टिव का फोकल, इसका मैग्नीफिकेशन क्या था, मैंने बताया था, इसका वी बाई यू लिखते। माइनस को फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस भी होगा ना, नहीं क्योंकि मुझे अभी रीज़न बताना है ना। तो यहाँ पे तो तुम एज इट इज लिख सकते हो, एज लेस फोकल लेंथ इन आई पीस प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस फोकल लेंथ कम हुआ, लार्जर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस लार्जर मैग्निफिकेशन, ये तो हमें समझ आता है। अब इसमें तो भाई फोकल लेंथ का कुछ है ही नहीं, तो इसको फोकल लेंथ के साथ याद करो। मैंने क्या बताया था, इसका फोकल लेंथ का रिश्ता देखो, यहाँ पे तुम किसी को भी चेंज कर दो। अभी देखो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यूनिवर्सल फॉर्मूला। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एफ यू, ए यू प्लस एफ। इस केस में अगर तुम ऑब्जेक्ट को इस तरफ मानो, ऑब्जेक्ट को इस तरफ मान लो, तो यहाँ पे एक नेगेटिव भी आ सकता है, नहीं तो पॉजिटिव भी आ सकता है, डजेंट मैटर, मतलब छोड़ो सबको। तो सो वी कितना आएगा तुम पे, एफ यू बट्टा यू प्लस एफ। बातें क्लियर? सो यहाँ वी की जगह में लिखो ऑब्जेक्टिव का, वी की जगह में लिख दो एफ यू बट्टा यू प्लस एफ, और यहाँ पे यू ले लें क्या, ए वाला यू, ए लिख दिया मैंने, और वी की जगह में एफ यू बाई यू प्लस एफ लिख दिया। सो यहाँ से यू कटा, यहाँ से यू कटा, सो ऑब्जेक्टिव का कितना आ रहा है, एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। अगर तुम इसको नीचे उतारते हो, 1/u + f/f, ऐसा रहा होगा कभी। सो एम ओ इज इक्वल टू 1/u/f + f/f, तो 1 आ जाएगा। तो अब तुम देखो यहाँ पे ज़रा, एम ओ का फॉर्मूला क्या है, 1/u/f + 1। अब तुम देखो यहाँ पे अगर f बढ़ता है, ए अगर एफ यहाँ बढ़ता है, तो ए पूरा वाला क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। ये पूरा अगर कम हुआ तो ए पूरा क्या होगा, बढ़ेगा। एक मिनट, यहाँ अगर एफ कम हुआ, यहाँ अगर एफ कम होता है तो ए वाला बढ़ता है, हाँ ए वाला बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, पूरा बढ़ेगा तो ये पूरा, हाँ ठीक है। सो देखो कुल मिला के बात वही है, यहाँ भी अगर तुम देखो f के साथ इसका रिश्ता क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है ना, नहीं क्या, या फिर ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा बताओ ज़रा। इसका मैक्सिमम अगर f और u, देखते रहो बिंदास, इसको मैंने f और u जब इक्वल हो जाता है ना, लिख देते हैं आप, एज द ऑब्जेक्टिव हैव मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, व्हेन ये दोनों चीज़ें यू और एफ लगभग सेम आ जाए, व्हेन यू एंड एफ आर लगभग सेम डिस्टेंस, एंड माइक्रोस्कोप दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। और माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, बहुत ही नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि यू और एफ सेम होने पे ये ज़्यादा होगा, और हमें यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि हम इसमें से देखते ही बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस की चीज़ों को हम बहुत देखते हैं, ठीक है ना, नज़दीक में देखते हैं, तो सटा के देखते हैं ना, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को देखते हैं। सो उससे हम कह सकते हैं एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मॉल, नहीं क्या। तो ये है रीज़न कि हम अपना सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों दोनों के जो ये होते हैं ना फोकल लेंथ, वो छोटे छोटे यूज़ करते हैं। क्या है बातें, क्लियर है, नहीं क्या। तो उसके बाद हम मिलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।